श्री कृष्णा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे परोक्षानुभूति माने वह अनुभूति जिसके होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है परोक्ष और एक होता है अपरोक्ष। प्रत्यक्ष माने जो इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अक्ष माने आके प्रत्यक्ष इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण होने वाले विषयों को प्रत्यक्ष कहते हैं। तो यह जो जगत है वो हमारे लिए प्रत्यक्ष है और इसमें जब हम फंस जाते हैं तो चाहते हैं कि जगत को जैसे हम अपने से अन्य रूप में जानते हैं उसी प्रकार से भगवान का दर्शन हमको अन्य रूप से हो। यह प्रत्यक्षता की परेशानी है। उसके पश्चात दूसरा होता है परोक्ष। पर माने दूसरा, अक्ष माने आप, दूसरों से दूसरों की आंखों से देखना, दूसरे की आंखों से देखना माने क्या? किसी ने कहा इसीलिए स्वीकार किया। तो यह जो जन्म मृत्यु स्वर्ग नरक उसके बाद पाप पुण्य धर्म अधर्म देखा तो किसी ने नहीं, सुना कि मरने के बाद आदमी स्वर्ग में जाता है या मरने के बाद आदमी नरक में जाता है। तो यह जो अन्य लोग की बातें आती है उनको परोक्ष कहते हैं। भगवान के बारे में भी हमने परोक्ष ही सुना है, जिसने ये दुनिया बनाई, ये दुनिया का बनाने वाला, मेंटेन करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला, और फिर वो गॉड का स्पेलिंग बना देते गवर्नर ऑर्गेनाइजर डिस्ट्रॉय, कुछ ना कुछ हो मतलब है। तो ये जो ईश्वर है भगवान है इसके बारे में हमने सुना ही सुना है, इसको कहेंगे परोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष जगत का, परोक्ष उसका, अन्य जगत का ईश्वर का ज्ञान। अब तीसरा होता है अपरोक्ष। अपरोक्ष माने ये ना तो किसी का बताया हुआ है, ना तो इस ज्ञान के लिए किसी इंद्रिय मन बुद्धि की आवश्यकता है। इस अनुभूति को, इस ज्ञान को कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान या अपरोक्षानुभूति। और इसीलिए यह यदि अपरोक्षानुभूति है तो इस अपरोक्षानुभूति को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये अब अंतिम विचार है। हम इस अंतिम विचार में बताते हैं। 135वें मंत्र से शुरू होता है, कार्य कारणता याता, कारणे नहीं कार्यता, कारणत्वं ततो गच्छे कार्याभावे विचारता। हम लोग बुद्धिमान है और भगवद गीता कहती है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बुद्धिमान कदापि न लभते। वो अपने बुद्धि से काम करते हैं, दे एंड अप इन बिकमिंग इंटेलेक्चुअल्स एंड इंटेलेक्चुअल्स ऑलवेज वांट थिंग्स टू बी फॉलिंग इन लाइन विद लॉजिक। लेकिन अपना ही जीवन देखिए तो हमारे जीवन में कहीं भी लॉजिक नहीं। एक लड़का एक लड़की को देख के सोचता है ये अच्छी है, इसमें क्या लॉजिक है? और फिर वही लड़का कुछ दिनों के बाद कहता है वो अच्छी नहीं, उसमें भी लॉजिक नहीं। और हमारा पूरा जो जीवन है ये इसी
किसी लॉजिक के बिना चल रहा है और हम अपने आप को बड़े इंटेलिजेंट कहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हमारे लिए बताते हैं, कार्य कारण का याता, कार्य में कारण होता है। पहली विचार की धारा, सुवर्ण में रादर आभूषणों में सुवर्ण होता है, तो जब हम आभूषण देखें और उसके नाम रूप में ही फंस जावे तो उसमें सुवर्ण है कि लोहा है पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए कार्य में पहले कारण ही होता है, और कारण क्या है, कारणे नहीं कार्यता, माने आभूषणों में सुवर्ण है लेकिन सुवर्ण में आभूषण नहीं है। इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ ये हो गया कि जो सुवर्ण है आभूषण बने बिगड़ भी रह सकता है, लेकिन आभूषण वो है जो सुवर्ण के बिना नहीं रह सकता। इसीलिए सुवर्ण सत्य है और आभूषण नाम रूप में। तो करना क्या है फिर, कारणत्वं ततो गच्छे, इसीलिए अपना ध्यान कारण की तरफ रहे, कार्य की तरफ रहे। तो कार्य से निकल करके कारण के प्रति समर्पित होने की प्रक्रिया को कहते हैं अपरोक्ष अनुभूति की साधना। तो कार्य क्या है, कार्य ये है कि गुस्सा। अब कारण क्या है, कारण ये है कि कोई मेरी बात मानते नहीं, वो कौन है ये, मैं है पति और मैं है पिता, और उस घर में दो दूर है, एक पत्नी दो कन्या है, तो क्या रेशो हो गया 3:1। आपकी चार प्रश्न तो होगा ही, दूसरे क्या करना है, कार्य कारण का ज्ञाता, कारण ढूंढो कि ये पति और पिता इनका कारण क्या है, इनका कारण है देहात्म भाव। तो यदि पति रहकर भी दुखी नहीं होना, पिता रहकर भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना, ये यदि संभव है तो केवल एक ही स्थिति में है कि हमको देहात्म भाव की निवृत्ति करनी है। जहां देहात्म भाव नहीं वहां उसके कार्य आए। इस प्रकार से कारणत्वं ततो गच्छेत् कार्याभावे विचारः। फिर पति में पुरुष है लेकिन पुरुष में पति नहीं है। आप सब लोग यहां पति के पावन बैठे हो और आप सब आदमी हो, मैं भी आदमी हूं, तो आप में और हम में फर्क क्या है, फर्क ये है कि आप परिच्छिन्नता से प्रकट होने का प्रयत्न कर रहे हैं और हम पर कोई परिच्छिन्नता है ही नहीं, आनंद ही है आप। इस प्रकार से कारणत्वं ततो गच्छेत् कार्य अभावे विचारः। यहां हमने इस कार्य को त्याग दिया, अपने आप हम कारण के पास। तो रूप रंग की सिद्धि दृष्टि के कारण, यदि दृष्टि नहीं है तो रूप रंग की सिद्धि नहीं। तो रूप रंग कार्य इससे हट गए और कारण में आए दृष्टि में, फिर दृष्टि यह कार्य और पहुंच गए उसका कारण मन, फिर मन यह कार्य और उसका कारण शुद्ध चैतन्य। इस प्रकार से यह जो यात्रा है इस यात्रा को कहते हैं आध्यात्मिक। बाकी की जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, परीक्षा नजदीक आ गई तो हनुमान नॉर्थ इंडिया में होंगे तो हनुमान जी के पास बहुत भीड़ हो जाएगी, महाराष्ट्र में होंगे तो गणपति बाप्पा होंगे, अपने प्रभा देवी के जो है सिद्धिविनायक महाराज जी को भीड़ होगी, क्योंकि कुछ चाहिए वहां जितने भी जाने वाले, किसी ने भी ये नहीं कहा होगा कि गणपति बाप्पा मुझे आप किसी बाबू,
आप कह दे कंडरा जी बापा क्योंकि आप किसी बात सब कुछ है। सो दैट इज रिलीजन, वो आध्यात्म नहीं है। अच्छा महाराज और आगे चलते हैं। अतः शुद्धम भवेत वस्तु यद्वै वाचा महोचरम लष्टव्यम लुट्नटे नैव लुट्नान्तेन पुरुषः। अतः इस प्रकार से वस्तु जो वाचा अगोचरम है, जो वाणी का विषय नहीं है, ऐसे शुद्ध परमात्म तत्व को हम प्राप्त हो जाते हैं। पृथ्वी का वर्णन करना हो बहुत सारा डाटा आपके पास होगा, पानी का वर्णन करना हो तो थोड़ा कम, अग्नि का वर्णन करना हो तो और उससे कम, वायु का वर्णन करना हो तो और कम, आकाश का वर्णन करना हो तो बहुत ही कम। और ये आकाश जिस मन का प्रक्षेपण है, उस मन का वर्णन करना हो तो वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध कुछ नहीं है, उसमें आकार नहीं है, विकार नहीं है, प्रकार नहीं है, क्या करोगे वर्णन। और ये मन जिस चैतन्य की अभिव्यक्ति है, वहां न इंद्रिय जाएंगी, न वाणी जाएगी, न मन जाएगा। इसीलिए वाचाम अगोचरम वस्तु शुद्ध भवे और द्रष्टव्य मृत घटे नहीं हो। और यह मिट्टी का जो बर्तन है उसके दृष्टांत से देखना है। ये छंद के ऊपर में आता है, मृत्यु का घट का क्या दृष्टांत है। हर घट में मिट्टी होती है पहली बात, और उस घट में मिट्टी यह सत्य है, कारण है, और नाम रूप और उपयोगिता यह कार्य है। तो जब हमारे अंतकरण में नाम रूप और उपयोगिता इसका महत्व होगा तो हमारा ध्यान मिट्टी से हट जाएगा। अब हमने यदि उस मिट्टी के बर्तन को तोड़ा तो क्या बचा, बर्तन टूटा, मिट्टी नहीं टूटी, मिट्टी जो की क्यों है। इसी प्रकार से हम जब विषयों का त्याग कर देते हैं तो इंद्रिय नहीं टूटते, जब इंद्रियों का त्याग कर देते हैं तो मन नहीं टूटता, मन का जब त्याग कर देते हैं तो चेतन सत्ता को कुछ भी नहीं होता। इस प्रकार से यह शुद्ध चेतन सत्ता ही इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान है। उपादान कारण माने मिट्टी, विविध कारण माने कुमार, दुनिया के घट को बनाने वाला कुमार भी वही चेतन सत्ता है, और इस घट को जो घट बना है वो भी वही चेतन सत्ता। अनेनैव प्रकारेण वृत्ति ब्रह्मात्मिका भवे उदेति शुद्ध चित्तानां वृत्ति ज्ञानम जगत परम। अनेनैव प्रकारेण इस प्रकार से वृत्ति ब्रह्मात्मिका भवे, फिर हमारी वृत्ति परिच्छिन्नता को त्याग करके परिपूर्णता की तरफ जा रही है। आप देखो ये जो पांच महाभूत है उनके तन्मात्र होते हैं, तन्मात्र माने वो मात्र, तन्मात्र जैसे आकाश का तन्मात्र है शब्द, अनाहत ध्वनि शब्द। और ये शब्द ये थोड़ी कहा है कि संस्कृत अंग्रेजी उर्दू बंगाली, ये नहीं कहा, शब्द मात्र। तो शब्द सभी भाषाओं में सामान्य है। इसी प्रकार से वायु, वायु का गुणधर्म है स्पर्श, ये नहीं कहा कि गर्म है कि ठंडा है और कोमल है कि कठिन है, ये नहीं कहा, स्पर्श। इसी प्रकार से रूप, ये नहीं कहा कि बड़ा है छोटा है सुंदर है गुरूप है, नहीं। फिर रस, ये भी नहीं खट्टा मीठा इत्यादि, रस मात्र। और गंध, वहां भी ये नहीं कहा सुगंध की दुर्गंध, ये यहां कहते हैं
अनेनैव प्रकारेण वृत्ति ब्रह्मात्मिका हुए। तो जब हम गंध की बात करते हैं तो हमारे सामने अनेक गंध प्रकट हो जाते हैं। विगांस्ते का गंध, इंटीमेट का गंध, हम ये अनेकता की बात नहीं कर रहे। शब्द जब कहते हैं तो शब्द का अर्थ अनेक शब्द शुरू हो गए। श्री राम जय राम, जय जय राम, ओम नमः शिवाय, हरे राम। इसीलिए विशेषता का त्याग करने के बाद जो निर्विशेष तत्व बचा रहता है उसको कहते हैं ब्रह्माकार अवधि। श्री राम विशेषता, श्री राम माने श्री कृष्ण ने विशेषता, श्री राम माने एक समय में प्रकट हुआ, थोड़े समय तक रहा, फिर समाप्त हो। हम ऐसे ध्वनि की बात नहीं कर रहे। इसीलिए सभी विशेषताओं का त्याग करने के पश्चात जो निर्विशेष सत्ता बची रहती है वो अपना स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं अनेनैव प्रकारेण वृत्ति ब्रह्मात्मिका भवे। अब इसके ऊपर चिंतन करते हैं। जब हम लोग अपने बारे में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? पहली बात पोजेशंस और दूसरी बात रिलेशंस, संग्रह और संबंध। और फिर अपनी कहानी 1857 में दादा टोपे की टोपी मैंने बनाई थी, शुरू हो गई। तो जो हम बोलते हैं वो केवल विशेषता के बारे में बोलते हैं और ये विशेषता का बोझा ही व्यक्तित्व को निर्माण करता है। इसलिए ये निर्विशेष के प्रति समर्पित होना, तो अनेनैव प्रकारेण वृत्ति ब्रह्मात्मिका भवे। फिर हमारी वृत्ति जो है वो परिच्छिन्नता में फंसी नहीं रहेगी। हमारी वृत्ति के लिए परिच्छिन्नता में फंसी हुई। हम ये नहीं कहेंगे कि हम हिंदू हैं, हम ये कहेंगे कि हम बंगाली है, गुजराती है। आज मैं कुछ मैनुस्क्रिप्ट एडिट कर रहा था सुबह में, उसमें पढ़ा तो ये कहा होगा, सावरकर जी जब भारत देश स्वतंत्र हो गया तो अंडमान से वापस आ गए मेनलैंड, और आने के पश्चात बेंगलोर में उनका प्रवचन। तो बेंगलोर में जब उन्होंने हिंदी में बोलना शुरू किया तो सभी कन्नड़ी का शुरू हो गए, अभिमान कन्नड़ा, अभिमान कन्नड़ा, अभिमान कन्नड़ा, हिंदी नहीं बोलना, कन्नड़ा। अब उन्होंने कहा एक क्षण मेरे से बात सुन लो, फिर हम आपकी बात सुन। फिर उन्होंने कहा मैं जिस जेल में, जिस कमरे में बंद था उसमें अनेक लोग थे अपने देश, एक बंगाली था, तो 18-20 साल में मैंने बंगाली सीखी। उसके बाद एक यूपी का भैया था, उससे मैंने हिंदी सीखी। एक पंजाबी था, उससे मैंने पंजाबी सीख ली। लेकिन मेरे एक भी कन्नड़ी गा नहीं था, तो ये मेरा हम ये विशेषता में फंसे हैं। विशेषताओं का त्याग करना और निर्विशेष में पहुंच जाना, ये है अपरोक्षा। जैसे कानों से जो शब्द हम सुनते हैं उन शब्दों में विशेषता होती है। शब्द मात्र जो है उसमें कोई भी विशेषता नहीं। जैसे अभी यहां एक एसी का आवाज आता है, विशेषता होगी। जो निर्विशेष सत्ता है वो अपना स्वरूप है, इसको कहते हैं
विशेषता से हट करके निर्विशेषता में पहुंच जाना, यही है ब्रह्मा का। तो वृत्ति ब्रह्मात्मिका विवेकी शुद्ध चित्ता नाम, लेकिन ये किसके लिए होगा? शुद्ध चित्ता नाम, जिनका अंतकरण शुद्ध है, जो अभी फंसा है दुनिया में, उसके अंतकरण में ये ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। अभी हमारा ध्यान इसी में लगा हुआ है। ये गवर्नमेंट ऐसे, वो इतना खाते है, उतना कसा कर ऐसा करते हैं, आराम कर, इससे कभी भी कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए संतो, यदि हम अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं ना, सबकी ममता ताग बटोरी और अपने आप में वापस आए। वृत्ति ज्ञानम तथा परम, तब बुद्धि हृदय में वृत्ति ज्ञान का तात्पर्य है। अब यह जो धारणा थी दृढ़ हो गई है कि कोई भी संग्रह संबंध देहात्म भाव और जीवात्म भाव ये मैं नहीं हो सकता, अब ये दृढ़ता आ गई। और जैसे जैसे अपनी दृढ़ता पक्की होगी, लंबे समय तक चलती रहेगी, वैसा वैसा हम इस जगत से ऊपर होने लग जाए। अब देखो कैसे, उदाहरण देखो, हमारे सबके जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई बहुत ही बुरी घटना घटी। जब वो घटना घटी थी, उस समय हम कितने दुखी थे, कितने अपने आप को अभागी समझते थे, लेकिन जैसे जैसे समय निकल गया, वही घटना वही आप, उसका प्रभाव उतने रूप से कम हो गया। इसीलिए जैसे जैसे ये जगत का महात्म्य कम होगा, और जैसे जैसे हम अपने स्वरूप में निष्ठावान होते रहेंगे, वैसे वैसे अपनी प्रगति सहज शुरू हो जाएगी। और इस उपलब्धि में कोई प्रयत्न नहीं लगे। जो खानदानी कुंभकर्ण के अवतार है, उनको कहीं भी सोने के लिए प्रयत्न नहीं करना। लोकल में खड़े है तो वो अपने आप को मुंबई वासियों के हवाले करते, खड़े सबको पकड़ के रखते। इसी प्रकार से जगत से उपरत होना सहज। अच्छा, ऐसा जब होगा तब आगे और चलते हैं। कारणम व्यतिरेकेण मुमान आदौ विलोके, व्यतिरेकेण माने अभाव से, जैसे आभूषणों में दो बातें हैं, आभूषण का नाम रूप और जिसका आभूषण बना है वह स्वर्ण। तो पहले कारण को देख ले, माने नाम रूप का तिरस्कार कर ले, तो मान व्यक्ति पहले कारण व्यतिरेकेण, तो जब हम आभूषणों को देख रहे हैं तो अपनी फोकल लेंथ हो गई, ये स्वर्ण के बने हैं कि प्लास्टिक के बने, पहले बात। उसके बाद अन्वयन पुनः सिद्धि, और एक बार आपने उस आभूषणों में स्वर्ण को देख लिया तो फिर पता चलेगा कि सभी आभूषणों में वही स्वर्ण है। ये दो प्रकार से चिंतन होता है, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। अब इसको अपने लाइफ में लगाओ। स्वप्न में जागृत पुरुष नहीं होता, लेकिन स्वप्न के अनुभूति को प्रकाशित करने वाला स्वप्न पुरुष होता है। तो स्वप्न में जागृत पुरुष के अभाव को कहेंगे व्यतिरेक, और स्वप्न में स्वप्न पुरुष के होने को कहेंगे अन्वय। और आगे सुषुप्ति अवस्था में जागृत और स्वप्न इन दोनों का व्यतिरेक है, इनका अभाव है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में जो
सुषुप्ति अवस्था को प्रकाशित कर रहा है वो हो गया अन्वय। फिर समाधि में चले गए, समाधि में जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों का अभाव है इसीलिए व्यतिरेक है। लेकिन समाधि की अनुभूतियों को प्रकाशित करने वाला अभी है इसीलिए वो अन्वय है। और आगे चले जाओ, परमात्म तत्व में जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि उनकी अनुभूतियां उनका आना जाना नहीं है व्यतिरेक, लेकिन इन सब की सत्ता इसी एक तत्व के कारण है यह अन्वय हो गया। इस प्रकार से यह अन्वय व्यतिरेक के द्वारा पहले यह जगत मिथ्या है और फिर ये जगत साक्षात परमात्मा। जगत को परमात्मा रूप से देखना यह ज्ञान है और परमात्मा को जगत रूप से देखना यह अज्ञान है। सुवर्ण को आभूषणों के रूप से देखना यह अज्ञान है और आभूषणों को सुवर्ण के रूप से पहचानना यह ज्ञान है। देखो संतो, कठिन नहीं है, आपके लिए नहीं होगा, हमको समझ ही नहीं आ रहा है कितनी गंभीर है। कारण क्या है? कारण बताया, पूरे की शुद्ध चिंता। अभी हमारे बुद्धि में अभी इडली सम्मार बैठा हुआ है इसलिए नहीं कर अच्छा महाराज अन्वयेन मनसि कार्यमिदं प्रपश्यति। कोई संपूर्ण विश्व केवल परमात्मा स्वरूप है। अज्ञानी लोग परमात्मा को जगत कहते हैं और ज्ञानी लोग जगत को परमात्मा। अज्ञानी लोग परमात्मा को जीव कहते हैं और ज्ञानी लोग जीव को परमात्मा। जीव को ब्रह्म ही बना पड़ा। ये दृष्टि के परिवर्तन का कार्य ही कारणम पश्ये पश्चात कार्यम विसर्जये कारणत्वं ततो नश्ये अवशिष्टं भवेन्ति। पहले क्या करे, कार्य में कारण को देख, सुवर्ण में आभूषणों में सुवर्ण को देखा है, कार्य में कारण को देखा, फिर पश्चात कार्य विसर्जे, फिर उन आभूषणों को गला डालो तो क्या होगा? केवल कारण रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि आभूषण कार्य ही नहीं है तो सुवर्ण को कारण भी कैसे कहेंगे? यदि पुत्र नहीं है तो बाप कैसे कहेंगे? बाप तो बाप तब है ना जब पुत्र हो। तो एक बार एक बाप डांट रहा था बच्चे को, तुमको मैंने जन्म दिया इसीलिए। तुमने कहा पापा होल्ड योर टंग, जवान को लगाम लगाओ। और फिर कहता है कि मेरे पैदा होने के पहले किसने आपको पिता आप पिता मेरे कारण? पिता के कारण पुत्र है कि पुत्र के कारण पिता है? इसीलिए कार्य कारण विद्या, कार्य कारण रहित अनुभूति को कहते हैं अपरोक्ष अनुभूति। जो कार्य कारण के परे है वो परमात्मा। कार्य कारण के परे परमात्मा है तो इसका ज्ञान यदि हमको स्पष्ट हो गया है तो इसका प्रभाव क्या होगा? हम प्रश्न पूछना छोड़ देंगे, क्योंकि प्रश्न क्या है? कार्य कारण, ऐसा क्यों होता है? कार्य कारण। इसीलिए कार्य कारण केवल बुद्धि का भ्रम है, इससे निकलना कोई मतलब नहीं। अपने मन को प्रभु में लीन, और जिसका मन भगवान में लीन हो गया है वो हमेशा प्रसन्न रहे, और ये प्रसन्नता ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है। क्योंकि भगवान ने जो दुनिया बनाई है ना वो ओवर टाइम में नहीं बनाई, कैजुअली में बनाई, कैजुअली बनाई, वहां झंझट कहां है? अच्छा महाराज,
कोई भी भावना आप तीव्रता से करो तो आप वैसे हो जाते हैं। कोई भी भावना, जैसे कई बार आप लोग ये सीरियल या सिनेमा देखते हो और उसमें इतनी एकाग्र हो जाते हैं, जब हम कई बार जाते हैं ना, तो एक हमारे विशेष अनुभूति, किसी का फेवरेट सीरियल का समय हो और उस सीरियल में पूरी फैमिली एकदम समर्पित हो और उस समय आप ये बैठे हैं और सीरियल की आराधना कर रहे हैं, 2 मिनट बाकी है, जल्दी आ जाना, लेट हो रहा है, और बैठे सीरियल शुरू हो रहा है, उसके में आप पहुंच जाओ, उसके बाद सबके चेहरे देखो। अच्छा समझ आइए बेटी, बोलते भी रहेंगे कोई शब्द और फिर ध्यान रहेगा उस कहानी में और उसपे इतने एकाग्र हो जाते हैं, रोना रोना, यही भावना का चक्कर है। और ये भावना को लेकर के बाबा जी लोग खेलते हैं लोगों के लिए, जब वो भागवत की या रामायण की कथा होगी उस समय कौन सा कथाकार बहुत अच्छा कथाकार है जो सबके हाथों में टिश्यू पेपर हो रहा है, भगवान राम उनके साथ सीता जंगल में थे, उस समय उनकी साड़ी 100 रुपए की। मेरे गिरस में बहुत पुरानी बात है, ये भी बहुत एक कोई गांव की बात और वो जो पंडित कथा करने वाला और उस पंडित बेचारा दरिद्री, अब उसने जीवन में कॉस्टलीस्ट सारी कोई सोची होगी 100 रुपए, फिर उनको उसका भी त्याग करना पड़ा और सब रोने लगे। तो हमको भावना ही करनी है तो ऐसी क्यों भावना करें कि हम दुखी है, भावना ही करनी है ऐसी क्यों भावना करें हम मस्त है, शुरू हो जाओ और कोई साधना नहीं, हमेशा मुंह खुला बैठे आप ऐसे क्यों बैठे रहते हो, मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है। भगवान ने मनुष्य का चेहरा केवल हंसने के लिए बनाया है, बोलने के लिए नहीं बनाया, लेकिन लोग बोलते हैं हंसते नहीं, तो माया यही संपूर्ण जीवन का रहस्य है। तो भावना करनी है तो आपको कोई पूछे कि कैसे हो, सच मत बताना, आप किसी ने गलती कर ली इसका मतलब थोड़ी है कि बदला लेगा, इंसिस्ट दैट यू आर ओके परफेक्ट हैप्पी, अपने आप और जिसको ये आदत हो जाती है ना, कुछ भी पूछो कंप्लेन करे, तो ये जींस कोकने का एक आदमी मल्टी ऊपर चला गया और वहां पहुंचने के पश्चात भगवान ने पूछा, ऐसा लगा सर यहां तो वेस्टर्न रेलवे नहीं है, उसके अंदर नींद ही नहीं आती, कंप्लेन करना छोड़ दो और हमेशा मैं ठीक हूं मस्त हूं इसका ही अभ्यास। हम आपको ये नहीं बता आपके मालूम बिल्कुल मत कर, भगवान राम ने मुझे बताया सबसे परेशान हो, अरे उन्हीं का नाम ले ले करके परेशान कर, तो मान भवत भवे शीघ्रम नेयम भ्रमर ईटवत, जैसे ये जो कीड़े होते हैं पहले अंडा होता है फिर उसका दूसरा बनता है फिर तीसरा बनता है फिर बन जाती है तिथि, इसी प्रकार से केवल एकाग्रता से, यही तो ध्यान क्या अभ्यास है,
ध्यान दो कि आप सच्चिदानंद स्वरूप, ध्यान करोगे तो आसन में फंसोगे, ध्यान करोगे तो शब्द में फंसोगे, ध्यान दोगे तो अपने में वापस। इतना ये सहज और सरल है कि जितना एक पत्नी को स्त्री होने में समय और प्रयत्न लगता है उतना ये सहज सरल। अवश्यम भावरूपम सर्वमेत चिदात्मक सावधानतया नित्यं स्वात्मानं भावयेत् मनः। पूरा अपरोक्षानुभूति का ग्रंथ आप संपूर्ण होते आया और इतनी साधना बताई, अब उस साधना का निचोड़ क्या बता रहे। अदृश्यम भावरूपम सर्वम एतत् चिदात्मकम्, भावरूपम अदृश्यम, अपने ज्ञान से अनात्म भाव को निकाल डालो। दृश्य माने अनात्म भाव, अनात्म भाव को निकालते रहे, इसीलिए प्रयत्न करते हैं कि जब मैं ध्यान के लिए बैठा तो वहां मुझे प्रकाश, पहले हरा प्रकाश, थोड़े समय के बाद पीला, उसके थोड़े समय के बाद, और आप ध्यान में बैठेंगे पता नहीं क्या हो गया, पिछले तीन दिनों से लाइट नहीं आ रही। जैसे जगत की वस्तु को अनात्म भाव से देखते हैं उसी प्रकार से ध्यान में भिन्न भिन्न अनुभूतियों में हम बच जाते हैं। एक बार की बात है, हमने शायद बताया होगा आपको, हम इंग्लैंड में थे, किसी अंग्रेज के घर में रहे रात, तो घर देख रहे हो अंदर से बाहर से, तो अंग्रेजों के देखने जैसे साफ सफाई की तरह हर चीज अपने जगह भी इतनी सुंदर होती है, बढ़िया। हमारा में बगल में टेबल पर पानी रखा है पढ़ने के लिए, पीछे लाइट है और हम पढ़े सो गए, तो रख लिया, आप नाइट ऑफ कर लिए हैं, आंखें बंद करने के बाद फिर लाइट खोल दी, आंखें खोल दिए तो फिर रोड लाइट्स दिखने लग गई, फिर आंखें बंद करी तो वो लाइट दिखने लग गई। अब ये करते करते हमको ऐसा आनंद आया जो अनुभूतियां इंप्रेशन के कारण, मन के संस्कारों के कारण होती है, उन अनुभूतियों के क्षेत्र को स्वप्न कहते हैं, और जो अनुभूतियां इंद्रियों के माध्यम से होने के कारण होती है उसको जागृत अवस्था कहते हैं। और ये दोनों अनुभूतियों को जो प्रकाशित करता है वह ना तो जागृत पुरुष है ना तो वो स्वप्न पुरुष है। जैसे हमने आंखें बंद करी तो वो लाइट को देखा, और जैसे आंखें खोली तो दुनिया की लाइट को देखा। ये दोनों लाइटों को प्रकाशित करने वाला मैं योगा क्यों है, इसलिए ये संपूर्ण साधना का निचोड़ है, अपने आध्यात्मिक साधना से अनात्म भाव को खत्म। भावरूषम भावरूपम अदृश्य, अदृश्य नहीं है, और ये जब समय में नहीं आता तो हम उसी में पड़ जाते हैं कि अब हमारी कुंडली खुल रही है, एक चक्र खुल गया, दूसरा खुल गया, तीसरा खुल गया। भागवत में एक कथा में आता है कि जो महात्मा की जो पहली छह अध्याय उसमें आता है, जब कथा हो रही थी गोकर्ण देवी के द्वारा वहां उन्होंने एक बांबू गाड़ दिए और उस बांबू को सात गांठें थी,
और उसमें जो धुंधकारी प्रेत के रूप में था, प्रेत का अपना आकार नहीं होता, वह केवल वायु रूप से होता है, किसी भी कहीं भी कैसे भी बहेगा। तो अपने आप को बांध के रखने के लिए उसने उस बांबू के अंदर की जो जगह है खाली, उसमें घुस गया। पहले दिन की कथा हो गई, पहली गांठ खराश से टूट गई, फिर वो विस्तार को प्राप्त हो गया। अब वो उसको एक एडिशनल कमरा बन गया, पहले 1 BHK था, दूसरे दिन की कथा हो गई, दूसरी गांठ खराश से टूट गई, 3 BHK। ऐसा करते करते 7 दिनों की कथा में 7 गांठे टूट गई और बांबू टूट गया। जितनी भी उपाधियां है वो सब की सब उपाधियां है, वो समझने के स्थान पर अब हम अंदर में लगाने के चक्र, पहले मूलाधार फट गया, साधिष्ठान कर वो भी खुल गए। यही एक सृजना ऐसी आने से पूछ रहे थे, कामिनी मेरे सभी चक्र खुले हैं, कुंडलिनी जागृत हो गई है, लेकिन एक समस्या आ गई, मेरे गुरु महाराज का देहांत हो गया, अब मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैं बहुत दूर था, हंसते हो रहे, आपने गुरु को तो खाया, मुझे खाने को है, मैं नहीं तुमको कुछ बताओ, भागो यहाँ। अब मेरे बटन भूल गए, क्या लगा लो। इस चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो उसी में फंसे रहोगे। कल में बैठा था, कुछ गर्म उठ जा रहा है, प्यास होगी। यह जो अनात्म भाव का प्राधान्य है अपने अनुभूतियों के क्षेत्र में, ये सब होता है, होता नहीं ऐसे नहीं, लेकिन ये अनावश्यक है, ये तो उसी में लगे रहेंगे। एक बार मैं बैठा था और मेरे सांस में से एकदम सैंडल की सुगंध आ रही, एक ही बार है, उसके बाद कभी नहीं आई। फिर किसकी आई? किसी के जो अनुभूति आके चले जाती है वो आप नहीं, जो कभी आया नहीं और जो कभी जाता नहीं वो आप हो। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही बचपना आया चला गया, आप गए क्या नहीं? जवानी आई चली गई, आप गए नहीं? बुढ़ापा आया ले जाएगा, लेकिन आप जैसे कि वैसे रहोगे। तथा देहांतर प्राप्ति ही, यह जो कभी आता नहीं कभी जाता नहीं वो अपना, लेकिन हम महत्व देते हैं आने जाने वाले को, आएगा आने वाला, जाएगा भी, उसको पकड़ के मत रख। इसीलिए दृश्यम ही अदृश्यता, अदृश्यम भाव रूपम च सर्वम एतत् चिनात्मकम्, यह सब केवल चिदानंद स्वरूप है। देखो अब ऐसा समझो, रूप रंग की सिद्धि आंखों के कारण, इसीलिए आंखें ही रूप रंग के रूप में प्रकट हो रहे हैं, और आंखों की सिद्धि मन के कारण, तो मन ही आंखों के रूप में प्रकट हो रहा है, और मन की सिद्धि चैतन्य के कारण, तो चैतन्य ही मन के रूप में प्रकट हो रहा है। इसमें रूप रंग आते जाते हैं, आंखें भी आती जाती है, आंखों में मानते तो प्रभुत्व आता जाता है, मन कहीं आता जाता नहीं, मन कभी व्यक्त कभी अव्यक्त है, जब व्यक्त है तो जागृत स्वप्न, अव्यक्त है तो सुषुप्ति,
लेकिन ये जिसकी प्राकृत की भूमिका है वह चेतन सत्ता जो की क्यों है, यह जो नित्य उपलब्ध अपना रूप है उसी को आत्मभाव से पहचानना यही है अपरोक्षानुभूति करना कुछ नहीं। और इसके लिए सावधानतया नित्यम, इसीलिए हम आपको बताते हैं कि आध्यात्मिक जीवन माने सावधानी से जीने को साधना है, अत्यंत सावधान। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं लाइफ में वो सब केवल सावधानी टूटने के कारण और कुछ कारण नहीं। आप चल रहे हो एक जीवी चली दो चढ़ी 50 100, आप मुझे मालूम है मैं जब जगह काफी चढ़ गया, एक सीढ़ी गलत हो जाए एकदम डायरेक्टली डाउन। इसी प्रकार जीवन में नित्य निरंतर सावधान रहेगा यही साधना। ये सावधान नहीं रहने के कारण हमने अपने आप को देह मान लिया है और उसी को रगड़ रहे हैं। तो सावधान तया नित्यम स्वात्मान भावे बुधा, अपने स्वरूप की भावना करे, सुबह उठे उठने की अवस्था प्रसन्नता से सुनो, चिल्लाना नहीं, गुस्सा नहीं करना, गड़बड़ नहीं करना, पूरा दिन ऐसा आनंद में। इसीलिए चार बातें भगवान कृष्ण ने बताई है। पहली बात, ब्रह्म भूत जो परमात्मा को प्राप्त होने का क्वालिफाई हो गया है उसकी पहली क्वालिटी है प्रसन्नता। दूसरी क्वालिटी है न शोचती, वो भूत के भूत को दफना देता है। न कांक्षती, वो भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को नष्ट नहीं करता। चौथी बात, समहा सर्वेषु भूतेषु, सबके प्रति समानत्व, कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं, कोई दोस्त नहीं कोई दुश्मन नहीं, इसी को कहते हैं मद भक्तिम लभते पराम, ये मेरी पराभक्ति। वही ये पराभक्ति जो है वो भक्ति नहीं है। हमारी जो भक्ति है तो गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, घर में आए तो मिले ये देवराज। इसलिए सावधानतया नित्यम स्वात्मानं भावयेत्। जब आप बैठते हो ना, पहली बार मेडिटेशन के लिए बैठ रहा हूं ये अपने दिमाग से कीड़ी को हटा, ये जो वायरस है ये गिनना जो तीन वायरस होते हैं हमने आपको बताया, एक है बायोलॉजिकल वायरस H1N1, दूसरा है लॉजिकल वायरस जो कंप्यूटर का होता है, और तीसरा मैं मेडिटेशन कर रहा हूं ये कर्तृत्व अभिमान का इलॉजिकल वायरस है। इसीलिए बैठे आप ध्यान के लिए बैठे, फिर कन्हैया की गोद में टाइम पास हो रहा है, मेडिटेशन के लिए बैठे इधर से टेका उधर से टेका, घंटा उसी में लग जाता है। और यदि वो ध्यान के लिए बैठना है उनको और उनकी उनका तकिया है वो ना मिले तो परेशान, उनकी दीवान नहीं मिले तो और परेशान। इसीलिए ध्यान करना जरूर, जाके कन्हैया के सामने बैठो, हे भगवान आपकी गोद में बैठने के लिए आए, जरा टाइम पास कर देना, ध्यान रखना मेरे नाम नहीं, हम तो बैठे निश्चिंत हो। फिर कुछ बनो मत, जब हम कुछ बनते नहीं कोई भी विचार नहीं है। पति बन करके ध्यान के लिए बैठोगे तो पत्नी हाथ में बेलना लेकर के आएगी, एंड व्हेन यू रिमेन नोबडी नो थॉट, और फिर विचार आया भी गया भी तो अपन को क्या फर्क पड़ता है। तो ध्यान में बैठे हैं तो यही भावना करनी है कि जैसे हम सत्संग सुनते हैं वैसे ध्यान में,
सत्संग में कितनी बातें सुनने कोई फर्क पड़ा है। इसी प्रकार से ध्यान में कैसे भी विचार आए कोई फर्क नहीं, वैसे के वैसे ही। कबीर महाराज कहते चलते गिरते पड़े उठाने कहे कबीर अपने दिखा। ये जीवन की सहजता है, ये सहजता ही ध्यानमय जीवन। नहीं तो इतना परेशान हो जाते, फिर यहाँ कुछ हो रहा है कुछ भी हो रही है, फिर ऊपर कुछ हो रहा है, यदि नहीं हुआ तो क्या हो गया, एक्जिमा ठीक हो गया। इस चक्कर में अपने आप को बदनाम या बर्बाद मत करो। दृश्यम ये अदृश्यता ब्रह्माकार रचित दृश्य का त्याग कर दिया। दृश्य का त्याग करना माने क्या, अभी क्या भी करो, ये सामने कई बार किया है, पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको देखो, आप दृश्य का त्याग नहीं कर रहे हो, आप दृश्य को पकड़ रहे हो, फिर वहां से हटो और ये कैमरे का डंडे को देखो, तो आपने दूर से अपने करीब आ गए, लेकिन फिर भी दृश्य उसमें है। अब वहां से भी दृष्टि को हटा करके अपने आंखों को देखो, जैसे आपने अपने आंखों को अपने आंखों से देखना प्रारंभ कर दिया तो दृश्य गायब हो गया, दृष्टा दृश्य रहित दर्शन को परमात्मा कहते हैं। जैसे दर्पण के सामने वस्तु आने से प्रतिबिंब होता है, लेकिन उस प्रतिबिंब का प्रभाव दर्पण पर नहीं। इसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व अपने इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से ग्रहण होगा, ये उनका स्वभाव है। जैसे दर्पण का स्वभाव है जो सामने आएगा उसको प्रकाशित करे, उसी प्रकार से इंद्रिय मन बुद्धि उनका स्वभाव है, उसके साथ झगड़ा मत। हमारी साधना है आंखें खुली रखेंगे लेकिन उन्हें देखना नहीं बंद करो, तो काय को परेशान हो। उसी प्रकार से मन है तो विचार आएंगे, उन विचारों के झगड़ा मत करना। यदि आपने विचारों को महत्व दिया तो परेशान करेंगे, उनको रोकने का प्रयत्न किया तो परेशान करेंगे। कई घरों में ऐसे बच्चे होते बिगड़े हुए, कारण क्या है, कारण ये है कि एक मेवा दीदी है बच्चा दोनों के बीच में और उसमें दादा दादी हो, वो बच्चे को बिगाड़ने की पूरी तैयारी हो, उस बच्चे को लगता है कि पूरे विश्व में वही एक राजकुमार है और इतना जिद्दी हो जाता है। अब कई बार जाते हैं हमको इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि लिफाफा देख करके मजदूर पढ़ लेते, तो ऐसा कोई बच्चा हो तो दूर रहो, उसके साथ बात करो तो आपके सर पर चढ़ेगा, उसको डांटो तो रोना शुरू करेगा। इन शॉर्ट वो बच्चा केवल 100% अटेंशन चाहता है, तो ऐसे बच्चे के साथ आपको निपटना है तो क्या करोगे, रिमेन इंडिफरेंट, ना उसकी तारीफ करो ना उसको डांटो, आया क्या गया क्या बैठा क्या कुछ भी उसके प्रति कोई भी इंटरेस्ट मिनट भी बचा, यही अपने मनिला में रखे। अच्छे विचार आने से उदकने की जरूरत है, बुरे विचार आने से गुस्सा करने की जरूरत है, विचार मन ही नहीं आएंगे तो क्या नाते हैं, क्यों परेशान हो। जब इसके साथ परेशान हो गए तो अपने स्वरूप की तरफ, इसीलिए दृश्य भी अदृश्यता ब्रह्माकार चिंतन, आप अपना ध्यान केवल अपने को देंगे। जब हमारा ध्यान अपने होने में होता है ना, इसका अर्थ ये नहीं कि जगत का दर्शन नहीं होगा, जगत का दर्शन होगा, लेकिन अब ये जगत हम पर प्रभाव नहीं डालता, अन्यथा यही कहना पड़ेगा जो जो ज्ञानी
पुरुष है, जिन्होंने परमात्मा को पहचान लिया है, कोई जगत में अंधे होकर के घूम रहे हैं, उनकी सब इंद्रिया नष्ट हो गई है। तो आध्यात्मिक उपलब्धि माने इंद्रियों का सत्यानाश, ऐसे थोड़ी होता है। इसीलिए ब्रह्माकारेण चिंतये, जब हम भगवान के गोद में बैठे हैं तो काहे की चिंता करनी है। चिंता नहीं करने को ही आत्मचिंतन कहते हैं। कोई चिंता नहीं, सिर्फ गाना तो गाते हैं, यही विधि राखे राम, यही विधि रही। लेकिन राम जी को बताते एक मौका पहले भेज ही देते, इस प्रकार से ब्रह्माकार विद्वान नित्य सुखे तिष्ठे। देखो विद्वान ऐसा लोग ज्ञानी गुण है, नित्य सुखे तिष्ठे, हमेशा मौज में रहता है, पूरी अपरोक्षानुभूति की हरा काटता सुखाकार। इसलिए सभी साधना का तात्पर्य बाहर के जगत के माध्यम से कुछ उपलब्ध करना नहीं है, अपना जो हृदयस्थ आनंद स्वरूप है उसको भगवान के दर्शन के चक्कर में टाइम बर्बाद न करना। परेशान है, इसलिए परेशान है, उसको बोलने की इच्छा है लेकिन वाणी ही नहीं, उसको कुछ करने की इच्छा है लेकिन हाथ ही नहीं, अपाणी पादा, उसको कुछ सोचने की इच्छा है लेकिन मनबुद्धि नहीं है, इसीलिए वो भटक रहा है। कोई तो ऐसा स्थान मिले कि जहां हाथ खाली हो, जो स्वार्थ में नहीं लगे हो, उन हाथों से प्रभु प्रकट हो, वो ऐसी वाणी ढूंढ रहा हो जो आत्मश्लाघा और पर निंदा में व्यस्त नहीं हो, ऐसे वाणी से प्रभु प्रकट होते हैं। ऐसा मन जो दुखी नहीं है, जो परेशान नहीं है, ऐसे मन से प्रभु प्रकट होते हैं। और जब हम कन्हैया की गोद में बैठे हैं, सब कुछ त्याग दिया, फिर इस संत के माध्यम से भगवान प्रकट होते हैं, उनको महात्मा कहते हैं। महात्मा का तात्पर्य ये नहीं दुनिया के दो सिंह आ गए और एक गुम आ गए, नहीं, विद्वान नित्य सुखे तिष्ठे भी आर्थिक रसपूर्ण है आप, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है अर्थित रसपूर्ण, इस चेतना रस में लोट पोट अभी जीवन में किसी भी प्रकार का दुख परेशानी के कारण दुखी होने का आप कभी कल्पना कर सकते हो। एक बहुत बड़े महात्मा संभव ही नहीं, जैसे कल्पना कर सकते हो कोई संसारी है रोता नहीं, कोई आप अंतिम में जाकर के कहते हैं एक ही रंग गई समाज राजयोग समुदा हो रहा किंचित कषायाणा भट योगे न सीता। इस प्रकार से ये आखिरी के जो मंत्र है उन मंत्रों में हमने राजयोग बहुत विस्तार से बताया है, लेकिन जो किंचित पक्व कषायाणा, लेकिन ये जिनमें अभी काफी कचरा भरा हुआ है उनको पहले हठ योग बताया। एक आजकल पाश्चात्य देशों में नया योग निकला है, उस योग का नाम है थॉट योग। विक्रम चटर्जी या चटर्जी जो भी है वो उस योग के निर्माता है थॉट योग। एक बार हमको सदैव ने पूछा अमित जी आप तो सब जानते हैं ये थॉट योग कहीं आता है क्या, हमें जरूर आता है, हमने इसको पूछा था बोले पूछे ये बकवास से बकवास नहीं आता है, आता है तो पहले इसका चिंतन करो ये किसने मार्केट में लाया है,
भले आप प्रमुख व्यक्ति, वो व्यक्ति कौन है? बंगाली, बंगाली अ को ओ कहते हैं, हट योग को ऑटो योग कहते हैं। हट माने जिद्दी, ये जो जिद्दी लोग होते हैं ना, बहुत ही परेशान है उन लोगों से। हम खाने को बैठेंगे, हमको शांति से खाने नहीं देंगे। स्वामी जी आप ये उसके साथ लगा के नहीं खाऊंगा, अरे मुझे अपने मर्जी से खाने तो दो। कल हम मेरी शादी में गए, अब कहाँ बैठना है ये भी हमारा स्वातंत्र नहीं, तो हम ऐसे जगह जाके बैठे कि जहां से हम वो लड़की को उसके सबूत दूर से देख सके, आराम से देख सके। नहीं नहीं नहीं, आपके लिए वो रखा है, वहां बैठो, और उसके सामने सभी फोटोग्राफर पीछे वायु निस्सारण कर रहे हैं। अब क्या देखू मैं उनको पीछे से? नहीं नहीं नहीं, आपको वही बैठना है, नहीं बैठूंगा। स्वामी जी आप गुस्सा करें, हमने कहा सुगर मारो की पिटाई नहीं करी। ये जो जिद्दी लोग होते हैं ना, ये आध्यात्म के लायक नहीं है। दुराग्रह का त्याग कर दो बाबा, और हमारा प्रेम यही होता है। नहीं नहीं आप खाना खाओ, आप नहीं खा सकता, मैं खाऊंगा तो मरूंगा, कोई बात नहीं, खाओ करो। इसलिए पक्व कषायाणाम प्रयोगी नहीं, और परिपक्व मनो ऐसा, अब दिन का मन परिपक्व हो गया। परिपक्व हो गया माने अब जैसे बर्फ का पानी हो गया, बर्फ में व्यक्तित्व, पानी में व्यक्तित्व, हमारा मन बर्फ के जैसा है। वही जब पानी बन जाता है तो किसी भी बर्तन में पानी कंफर्टेबल है, और बर्तन को अपने ही आकार का बर्तन चाहिए बर्फ। तो जिनका मन वैभव को हो गया है केवल सिद्धिना, वैसे ही परिपक्व मन के जो लोग है उनके लिए यह परोक्षानुभूति का जो राजयोग बताया है ये सिद्ध होगा। बोलो गुरु दैवत भक्तानां सर्वेषां सुलभो व्यवहार। हृदय में भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, हमारे हृदय में प्रेम के नाम पर आसक्ति होती है। प्रेम और आसक्ति में फर्क, यदि शुद्ध प्रेम होगा तो दुख नहीं होगा। जिस प्रेम का परिणाम दुख कभी होता है वह आसक्ति है, और ये जो आसक्ति है जा सकती है, दिखती नहीं। देखो ना, ये माँ बाप जो लोग है बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं, जो आसक्ति है, कैसी आसक्ति है? लड़का या लड़की बड़े बड़े हो गए, उन्होंने अपने लायक अपना कबूतर ढूंढ लिया, और फिर वैसा शादी करना चाहते है, और माँ बाप का प्रेस्टीज इशू बन जाता है, और फिर ये माँ बाप दुखी हो जाता। यदि शुद्ध प्रेम हो तो आपके हृदय में दुख का प्रकट नहीं होता। यदि प्रेम का परिणाम दुख का है तो वो प्रेम नहीं, वो प्रेम का कार्टून, प्रेम के कार्टून को कहते हैं। और आसक्ति माने क्या है? जिस प्रेम में अपेक्षा होती है, अपेक्षा युक्त प्रेम को आसक्ति कहते हैं। और यही माता पिता जब बालक छोटा होता है तब आसक्ति नहीं होती, शुद्ध प्रेम होता है। जैसे जैसे ये दोनों बड़े होने लग जाते हैं, बच्चा भी बड़ा हो रहा है, माँ बाप भी बड़े हो रहे हैं, और फिर अनेक प्रकार की अपेक्षाएं शुरू हो जाती है। मेरा बच्चा हमेशा बस करना चाहिए, मेरे बेटे को अच्छी बीवी मिलनी चाहिए, मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा हो गए, और ये नहीं होगा। इसलिए तो गुरु दैवत भक्ताना, गुरु महाराज हमको वो उपदेश करते हैं जिसके द्वारा हम दुख से निवृत्त होते हैं, और
दैवत्व का और जीवन में कोई उपासना का एक अधिष्ठान आधार होना आवश्यक, जिसके हृदय में कोई एक ऐसा आधार नहीं है वो बहुत गरीब है। किसी को भी पान साधु संत, कोई मंदिर, कोई नदी, कोई पहाड़, कोई स्थान, जिसके द्वारा आपका मन सहज शांत होगा, ऐसे लोगों के लिए सुलभ हो भवे ये बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए यस्य देवे परावक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता यथा प्रकाशंचे महात्मना। श्वेता शतक उपनिषद का अंतिम मंत्र वहां बताते हैं, जैसी हमारी भक्ति भगवान के प्रति होती है वैसे गुरु के प्रति होती है। अब गुरु की भक्ति माने क्या? नॉर्मली ये होता है अपनी मनवाना माने भक्ति। गुरु की भक्ति माने अपने को बदलने के लिए तैयार है। दो प्रकार के लोग गुरु से संबंध रखते हैं, एक भक्त होते हैं दूसरे शिष्य होते हैं। जो भक्त होंगे वो गुरु को बदलेंगे, जो शिष्य होंगे वो स्वयं को बदलेंगे। जो स्वयं को बदलने के तैयार है वह शिष्य है, और जिसके कारण गुरु बदल जाता है वो बेचारा भगत। देवी परावक्ति यथा देवी तथा गुरु तसे देखा यथा। तो ये उपनिषद के मंत्र है वो अपना जो रहस्य है ऐसे साधकों के अंतरण में प्रकट कर देते। मैं प्रकट कृपाना दीन से, यह मंत्रों का अर्थ प्रकट होता है जब हम इस प्रकार से अपने आप को सिद्ध करते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।